हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिंचन है। मैं कलकत्ता में एक छोटा सा क्लाउड किचन चला रहा हूँ, रिंचन्स मोमो। मुझे इंस्टाग्राम में आप लोगों ने बहुत सारा डीएम किया और कमेंट किया कि मैंने क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट किया, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने कैसे क्लाउड किचन स्टार्ट किया और मुझे कितना सारा डिफिकल्टीज आपको मतलब फेस करना पड़ा, तो मैं आपको ये सब शेयर कर रहा हूँ आज। मैंने जब क्लाउड किचन स्टार्ट किया था तब मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया था, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लाउड किचन आप अगर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले आपका बजट एकदम ही कम होता है क्लाउड किचन में। तो मैंने जब क्लाउड किचन स्टार्ट किया था मेरे पास कोई बजट ही नहीं था, ट्रस्ट मी, मैं ऑनेस्टली आपको ये बोल रहा हूँ। तो आपको आप जब फर्स्ट आप यानी कि क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट चीज आपको ये याद रखना है कि आप कुकिंग में क्या बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोमो बनाता हूँ तो मेरा वो स्पेशल रेसिपी हो गया और मैं उसी को सेल कर सकता हूँ। तो अगर आप कुछ बना पा रहे हो अपने मतलब रीजन के, अपने एरिया के हिसाब से आप वो स्पेशल चीज बना पा रहे हो, देन दैट इज वेरी वेल एंड गुड। तो आप फर्स्ट में आप गो हो गए हो, मतलब उसमें क्लियर हो गए हो। तो सेकेंडली, आपको नेम डिसाइड करना है आपका फूड का। जैसे कि मुझे मोमो बनाना आता है और मेरा स्पेशली वही है, तो इसलिए मैंने अपने नाम यानी कि रिंचन्स मोमो रखा। तो आपको भी ऐसा एक यूनिक नेम रखना चाहिए जिससे लोगों को बुलाने में ईजी हो जाए, या फिर आपका मतलब आपका जो आप जो फूड आप सेल कर रहे हो वो हाईलाइट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे रिंचन्स मोमो इसीलिए रखा हूं क्योंकि मेरा नाम एक मतलब मेरा जो नाम है वो सिक्किमिस नेम है और मेरा जो रेसिपी है वो फूड है, यानी कि मैं जो सेल कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं रिंचन्स मोमो रखा हूं, तो ताकि वो एकदम यूनिक दिखे। तो मैंने जब अपना नाम डिसाइड कर लिया, उसके बाद मैंने उसी नाम से मैंने इंस्टाग्राम में अकाउंट खोल लिया रिंचन्स मोमो का। तो इंस्टाग्राम में मैंने अकाउंट इसीलिए खोल लिया क्योंकि आप जब क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हो आपका जो कस्टमर्स है वो ऑनलाइन का है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ऑनलाइन में एक्टिव रहना पड़ेगा और आपको एडवर्टाइज करते रहना पड़ेगा, आपको रील्स छोड़ते रहना पड़ेगा, आपको कस्टमर के साथ इंगेजिंग रील्स बनाते रहना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिले और वही ऑडियंस आपको कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर को। तो मैंने अपना जो प्रोफाइल है यानी कि रिंचन्स मोमो का मैंने इंस्टाग्राम में अकाउंट किया, तो मेरा फर्स्ट तो हो गया मेरा नाम, उसके बाद मेरा लोगो मैंने बना लिया। और लोगो बनाने के लिए भी बहुत ही सिंपल है इंस्टाग्राम में, क्योंकि आप लोगो कैनवस एप्लीकेशन से आप बना सकते हो जो मैंने यूज़ किया है। अगर आपको लोगो बनाने में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा ताकि मैं वो आपको फिर से बता सकूँ। तो मैंने अपना लोगो बना लिया, मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल लिया रिंचन्स मोमो का। उसके बाद आपको वीडियो रील शूट करना है कि आप कैसे खाना बना रहे हो, आपका जो स्पेशल डिश है वो आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड चीज मैंने क्या किया है कि मैंने अपना मेन्यू सेट किया है। तो आप जब बिजनेस क्लाउड किचन खोल रहे हो, आपका नाम आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको मेन्यू रखना पड़ेगा। तो आप मेन्यू में क्या क्या सेल कर रहे हो आपको वो मेन्यू बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें प्राइस डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो मेन्यू आपको इंस्टाग्राम में अपलोड करना पड़ेगा। तो आपने मतलब अगर आप ये सब कर पा रहे हो देन इट इज़ वेरी गुड। तो उसके बाद एज पर मी मैंने क्या किया है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम को अपना जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उसके साथ मैंने कोलैब करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा जो पर्सनल ब्लॉगिंग रिंचन है उसका फॉलोअर्स ज़्यादा था, इंगेजमेंट ज़्यादा था वहाँ पे, तो इसलिए मैं वहाँ से स्टार्ट किया अपना मतलब फूड को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके से मुझे मतलब इंस्टाग्राम से थोड़ा ऑडियंस मिलना शुरू हो गया। और फर्स्ट में आपको एकदम कोई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सबसे पहले ऑफलाइन जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने फर्स्ट जब ऑफलाइन स्टार्ट किया था तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि वो ऑफिस में रिकमेंड करे मेरे खाने को, मतलब कोई मुझे मतलब ऑफिस में। तो इस तरीके से मैंने धीरे 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 ऑफिस डिलीवरी शुरू किया, ऑफिस में मतलब ऑफलाइन ऑफिस डिलीवरी करना शुरू किया। उसके बाद मैंने आसपास में
जो आपका नेबर्स वगैरह है उन लोगों को आप बताइए कि आपका फूड बिजनेस शुरू हुआ है, आपका जो ये स्पेशल है, आप मेन्यू प्रिंट आउट करके आप उनको दे सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप पहले आसपास में आप खुद फूड डिलीवरी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपने एक अच्छा सा स्ट्रांग आपने मतलब रिलेशनशिप आपने इस्टेब्लिश कर लिया है, देन यू कैन नाउ थिंक अबाउट गोइंग फर्दर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये सब हो मतलब आपने पॉसिबली ये इजीली आपने कर लिया है, देन तो यू विल बी श्योरली लाइक गो फर्दर। उसके बाद मैंने जो स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने अप्रोच किया मतलब एजेंसी को, एजेंट को। तो मुझे सबसे उन लोगों ने बताया कि फर्स्ट मुझे ट्रेड लाइसेंस बनाना है, उसके बाद फसाई का लाइसेंस बनाना है, उसके बाद GST बनाना है। तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था उस टाइम पे। तब तक मेरा ऑफलाइन वाला बिजनेस अच्छे से चल रहा था, बट ऑफलाइन का बिजनेस ये होता है कि आपको प्री ऑर्डर मिलता है, आपको डेली सेल्स नहीं होता है आपको, या फिर आपका ऑफिस का लोग किसी जान पहचान वाले ने आपको इतना प्लेट ऑर्डर दिया तो आप ऑफलाइन में ऐसे बना रहे हो, बट आपको डेली सेल नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे जोमैटो और स्विगी में कनेक्ट करना था। तो इसीलिए स्विगी और जोमैटो में कनेक्ट होने के लिए मुझे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करना था। तो मुझे वो बनाने के लिए मैंने एजेंट को अप्रोच किया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस बनाना है, तो उन्होंने मेरे लिए ट्रेड लाइसेंस बनाया। तो ट्रेड लाइसेंस जब उन्होंने बनाया उसमें मुझे उन लोगों ने 2700 चार्ज किया उनका फीस के साथ, तो मैंने वो पे कर दिया। उसके बाद जो फसाई का जो लाइसेंस है वो मैंने अपने मतलब अपने आप मैंने ऑनलाइन से भरा, उसमें मुझे 150 पे करना पड़ा लाइसेंस के लिए, वो 1 ईयर का वैलिड है। तो आपको ऑनलाइन में आप जब फसाई का लाइसेंस भरते हो तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है, और आपको विद इन 1 वीक में वो लोग आपको मेल में आपका लाइसेंस यानी कि फसाई का लाइसेंस आपको मेल कर देता है आपको डिटेल के साथ। तो जब मेरा ये सारा डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास आ गया था तो मैंने उसके बाद मैंने जोमैटो स्विगी में अप्लाई किया। बट आपको मैं यहाँ पे ये एडवाइस देना चाहता हूँ जो मैंने मिस्टेक किया है कि ट्रेड लाइसेंस आपको अभी बनाने का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप जब होम बिजनेस यानी कि क्लाउड किचन आप घर से स्टार्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहले आपको फोकस करना है कस्टमर के ऊपर, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। आपको ट्रेड लाइसेंस आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बनाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, वो आपको बाद में आप बना सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जब बिजनेस पूरा इस्टेब्लिश हो जाएगा, आपका बिजनेस जब आपका जब टर्नओवर आपका मोर देन 12 लाख जैसे क्रॉस हो जाएगा तब आप ट्रेड लाइसेंस बना सकते हो, क्योंकि आपको तब GST भी लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अभी जब हम लोग यानी कि छोटा यानी कि बिजनेस कर रहे हैं घर से, तो हम लोगों को ट्रेड लाइसेंस अभी उतना रिक्वायर नहीं है। हम लोगों का फसाई का यानी कि लाइसेंस से ही हम लोग जोमैटो और स्विगी में हम लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये रहा मेरा पूरा प्रोसेस जैसे कि मैंने कैसे मतलब किया। तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने मिस्टेक किया है ट्रेड लाइसेंस, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ट्रेड लाइसेंस बना लिया और मेरा मतलब पैसा मैंने पे भी कर दिया, क्योंकि मुझे ट्रेड लाइसेंस का कहीं पे मतलब जरूरत ही नहीं लगा, मतलब कहीं भरना ही नहीं पड़ा मुझे। तो इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो घर से, तो सबसे पहले आपको आसपास के लोगों यानी कि माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका खाना किसी को पसंद आ गया है तो वो जाके किसी और को बताएगा, उसी तरीके से आपका जैसे कि मतलब आपका बिजनेस के लिए हेल्प हो सकता है ये। तो आपको मैं आज इतना ही बस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से। तो आई एम सो सॉरी अगर मैं कुछ मतलब कवर नहीं कर पाया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में मतलब कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक में अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने जो डिफ़िकल्टी में जो स्ट्रगल्स
गुजरा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और वो नॉलेज, अगर मेरा जो नॉलेज है अगर वो आप लोगों के लिए काम पे आ सके, तो आई एम सो एक्साइटेड टू हेल्प यू गाइस रियली। अगर आप लोग भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स प्लीज कॉमेंट मी, आपको और क्या जानना है क्लाउड किचन के बारे में, आप कैसे जानना है। तो इसीलिए मैं और एक और वीडियोस बनाऊंगा आपका कमेंट पढ़ने के बाद। अभी के लिए मैं बस इतना ही मैं रख रहा हूँ, और आप लोगों को प्लीज़ आप मुझे और सपोर्ट करते रहिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।